बता दूं जो हमने ज्ञापन दिया है, पहला पॉइंट जो है हमारा ये है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो गर्ल्स जो है रिसा स्कॉलर गर्ल्स हैं उनको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लड़कियां बाहर रह रही हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द एक कोई ना कोई हॉस्टल जो है उनको अलॉट किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जो वहाँ पर लैब है उस पर जो रिसा स्कॉलर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, उसके लिए स्टूडेंट को यहाँ से कभी IIT रुड़की जाना पड़ता है, कभी बॉम्बे जाना पड़ता है, और तीसरी बात ये है कभी अदर IITs जो है उनमें जाना पड़ता है। तो मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो है जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है उसको पूरा करें जिससे कि स्टूडेंट को कुछ सहूलियत मिल सके। तीसरी डिमांड हमारी ये है जो यहाँ पर हॉल में जो स्टूडेंट रहते हैं अब फैकल्टी वाइज रहते हैं, पहले क्या हुआ करता था मर्ज रहा करते थे कि मतलब लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट MBBS वाले लड़के के साथ रह सकता था, MBBS का लड़का BA वाले साथ रह सकता था और BA वाला इंजीनियरिंग वाले के साथ रह सकता था, क्योंकि हर फिर जो है उससे फ़ायदा ये था कि एक से दूसरे स्टूडेंट को हर किसी फील्ड में नॉलेज हुआ करती थी, और आज जो है हमारे वो ट्रेडिशन और वो जो हमारी जो तहजीब है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा से इसी तरीके से हॉलों को मर्ज किया जाए जिससे हमारा जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तहजीब है और जो ट्रेडिशन है वो बरकरार रहे। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जो UG कोर्सेज और PG कोर्सेज हैं उनमें एज लिमिट क्राइटेरिया लगा दिया गया है। आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूशन में देख सकते हैं, कहीं भी कोई क्राइटेरिया है नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ इंतजामिया से कि वो इसको विड्रॉ करें और स्टूडेंट को PG UG में एडमिशन लेने के लिए जो है पूरी जो है सपोर्ट करें और उसको ख़त्म कराएं। ठीक। पांचवा पॉइंट है हमारा जो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स चला करते थे यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ बोनाफाइड स्टूडेंट के लिए, वो बंद कर दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ उनको दोबारा से शुरू किया जाए जिससे कि स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। मैं इन सब डिमांडों को जो है एक ज्ञापन देकर मैंने भेजा है, अगर ये हमारी डिमांड नहीं मानी जाती है तो मैं कहीं भी किसी वक्त भी मैं धरना दे सकता हूँ, फिर उसमें इंतजामिया कहने की मुझसे कोई हकदार नहीं होगी। और ये मैं चाहता हूँ ये जनरल इशू है, ये स्टूडेंट के सॉल्व हो जल्द से जल्द। हाँ, ये जानी भसन और उनके साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम हमको दिया है, वाइस चांसलर साहब को एड्रेस किया है। इसमें उन्होंने अपनी 5 डिमांड्स रखी हैं, रखा है, हम इसको वाइस चांसलर साहब के पास पहुंचा देंगे और इस पर वाइस चांसलर साहब ज़रूर गौर करेंगे कि जो चीज़ें हैं जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसको देखेंगे और इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी बात है भाई, छात्र तो अपनी बात को कहेंगे जिस अंदाज से कह सकते हैं कहेंगे, लेकिन ऐसी बातें हम वो मौका नहीं आने देते हैं।